जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द फैक्ट गेनर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज ऐप्स की जो कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने इन चाइनीज ऐपों को हमें हमारे मोबाइल से डिलीट करने के लिए आखिर में क्यों कहा है? क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। हम सभी ने यह तो सुना ही होगा कि चाइनीज आर्मी बहुत ताकतवर है, पर आप लोगों को असली सच्चाई नहीं पता है। तो चाइनीज ऐप की लिस्ट देने से पहले मैं आपको चाइनीज आर्मी की सच्चाई बताना चाहता हूँ। यह जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक चाइनीज सर्वे के द्वारा पता चली है। तो पहली रॉन्ग में चाइनीज आर्मी के बारे में यह है कि वो इंडियन आर्मी से ज्यादा ताकतवर है। यह सरासर एक अफवाह है। इस समय भारतीय आर्मी ज्यादा ताकतवर है चाइनीज आर्मी से, और मौजूदा समय में इस समय भारतीय आर्मी के पास पूरे 14 लाख सैनिक हैं, और वहीं चाइनीज आर्मी 2015 के बाद से अपनी सैनिकों की संख्या कम कर रही है, और इस मौजूदा समय में चाइनीज आर्मी के पास सिर्फ 10 लाख सोल्जर्स हैं। और चाइनीज आर्मी की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उन्होंने 41 सालों से कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, इसीलिए उनके सैनिकों को युद्ध का अनुभव नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी जो चीन ने खुद माना है कि उनकी 20% सेना लड़ने के लिए फिट भी नहीं है, और 20% सैनिकों का वजन जरूरत से भी ज्यादा है, और 25% सैनिकों को शराब की भी लत है। सब कारणों के वजह से चाइनीज गवर्नमेंट डरी हुई है। इसी कारण चाइनीज गवर्नमेंट साइबर फिशिंग या चाइनीज ऐप के द्वारा इंडिया पे अटैक करने की जरूर कोशिश करेगी, और चाइनीज गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि वो इंटरनेट के थ्रू इंडिया को अंदर से खोखला करें। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप को यूज करने के लिए मना किया है, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज ऐप कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन की परमिशन मांगती है। अगर आप इन तीनों परमिशन को जोड़ते हैं तो इनसे आपका बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, और अगर वॉर होती है तो हमारी ओपोनेंट कंट्री हमारी कंट्री के नंबर ऑफ यूथ का भी पता कर सकती हैं, और लोकेशन के परमिशन के द्वारा वो ये भी पता कर सकती हैं कि हमारे यूथ में कितने लोग फिजिकली फिट हैं। और इतनी सी भी इंफॉर्मेशन ओपोनेंट कंट्री को दे देना बहुत ही डिसएडवांटेज की बात है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चाइनीज ऐप्स की। क्या दोस्तों आप सबको पता है, इस समय गूगल पे पर लगभग 1,66,299 गेम पब्लिशर्स हैं, जिनमें से लगभग 2,043 चाइनीज पब्लिशर्स हैं। इस समय प्ले स्टोर पे लगभग 4,31,165 गेम्स हैं, जिनमें से लगभग 6,892 चाइनीज गेम्स हैं। इस समय गूगल प्ले पर लगभग 1% ऑफ चाइनीज गेम पब्लिशर का कब्जा है। इन पब्लिशर में चीन के बड़े बड़े पब्लिशर जैसे टैंजेंट, बेबी बस, ब्लैक मैन गो स्टूडियो, वावाओ स्टूडियो, जेड प्ले गेम्स, कूल पैट स्टूडियो, टैब फोर फन जैसे बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं। अब बात करते हैं चाइनीज ऐप्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे टॉप ट्रेंडिंग चाइनीज गेम्स से। इन गेम्स में पबजी मोबाइल, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, पबजी मोबाइल लाइट, हैगो, कैंडी क्रश, लूडो वर्ल्ड, कैश ऑफ किंग, मोबाइल लेजेंड, राइज ऑफ किंगडम, टेंपल रन, फोर्टनाइट, कैरम पूल, मिनी मलेशिया, एट बॉल पूल जैसे गेम शामिल हैं। कुछ और गेम भी हैं जैसे आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मार्वल सुपर वॉल्स, साइबर हंटर, वॉर पाथ, आइसोलैंड 2, एशेज ऑफ टाइम, सोल हंटर, मिस्टर पम्पकिन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, लाइव आफ्टर, टैंक टैंक स्टिक फाइट, नाइफ आउट जैसे एप्स भी हैं। यही नहीं, गन्स ऑफ ग्लोरी, गेम ऑफ सुल्तान, हीरो वॉर, जोम्बी वॉर, SLG 3D जैसे गेम्स भी हैं। इसी के साथ साथ कुछ और चाइनीज ऐप भी हैं, जैसे कि टिकटॉक, शेयर इट, हेलो, वीगो वीडियो, वीवो वीडियो, वीमेट, वीमेट स्टेटस, यू वीडियो, जिली, टिका, alibaba.com, AliExpress, बैंगोड, इनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर, यू डिक्शनरी, ऐप लॉग, WPS ऑफिस, टच मेकर, स्टोरी मेकर, इन शेयर, शेयर चैट, स्ट्रीम कर, ऑल डाउनलोडर, फैमिली लोकेटर जैसे बहुत सारे ऐप हैं। यही नहीं, इसमें और भी ऐप हैं जैसे वीवा वीडियो, जेंडर, ब्यूटी प्लस, कैम स्कैनर, ट्रू कॉलर, क्वीन मास्टर, वॉलेट हाइडर, वी चैट, क्लब फैक्ट्री, लाइक, वायरस क्लीनर, परफेक्ट क्रॉप, फोटो वंडर, 360 सिक्योरिटी, चीता, चेचेस क्लीनर, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, फोटो एडिटर प्रो, फैंसी यू, यूसी ब्राउजर, यूसी ब्राउजर मिनी, वी सेंस, वंडर शेयर जैसे बहुत सारे टॉप डाउनलोडेड ऐप हैं। यही नहीं, कुछ और ऐप भी हैं जैसे कि वी चैट, न्यूज डॉग, वीवा वीडियो, वंडर कैमरा, MI कम्युनिटी, MI वीडियो, DU क्लीनर, DU बैटरी सेवर, DU ब्राउजर, QQ सिक्योरिटी सेंटर। मैं आप लोगों को लगभग 100+ चाइनीज ऐप के नाम बता चुका हूँ। अगर मैं आपको और नाम बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।
मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उसमें मैंने 150 से भी ज्यादा चाइनीज ऐप को मेंशन किया है। अगर आपको और चाइनीज ऐप के बारे में जानना है तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन को दबाइएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।